Welcome to SVS English classes. We are here to study video number 7. From this section C, grammar. From the question paper 2022. 2022 के प्रश्न पत्र के सेक्शन सी ग्रामर की ये हमारी वीडियो नंबर 7 है। इसमें आपका पुनः स्वागत है। इससे पहले हम 6 वीडियो इसकी बना चुके हैं। आशा करते हैं कि आपने उनका लाभ उठाया होगा, अपनी स्टडी की होगी। आइए तो शुरू करते हैं। इस सेक्शन सी क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका फर्स्ट पार्ट है डू कीजिए, एज इंडिकेटेड जैसा बताया गया है, अगेंस्ट सामने, वैसे अगेंस्ट में विरुद्ध होता है, यहां पर सामने है। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नांकित वाक्यों में से प्रत्येक के सामने बताए गए नियमानुसार कार्य कीजिए। अ कैट अपॉन दी जंप्ड टेबल दी, कैट आप जानते हैं बिल्ली, अपॉन ऊपर, दी का कोई मीनिंग नहीं होता है, आर्टिकल है, इसे हम डिटर्मिनर भी कहते हैं। जंप्ड कूदी टेबल मेज दी, तो देखिए कौन किसके ऊपर कूदा। सबसे पहले तो हम सेंटेंस को पढ़ करके उसे सेंस करें, काम करने वाला कौन है, किस पर काम हो रहा है, इस चीज को देखने की आवश्यकता है। सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, क्या उसके अतिरिक्त हेल्पिंग वर्ब भी है, तो इन चीजों की हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें बिल्ली मेज के ऊपर कूदी, तो होगा द कैट। जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें आए पहले शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होता है। ये पंक्चुएशन भी होती है, इसे पंक्चुएशन का भी एक क्वेश्चन है, तो इसलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। द कैट जंप्ड, ये सेकेंड फॉर्म है, जंप्ड अपॉन, प्रीपोजिशन आएगी, अपॉन द टेबल। इस रीऑर्डरिंग का फ्रेम एक करेक्ट सेंटेंस सही वाक्य बनाइए बाय रीऑर्डरिंग, पुनः क्रम में रख करके द वर्ड शब्दों को पुनः क्रम में रख करके सही वाक्य का निर्माण करना है। तो इस कार्य में जितने शब्द यहां दिए हुए होते हैं उतने ही शब्द यहां होने चाहिए, ना एक कम और ना ही एक ज्यादा, इनकी हमें काउंटिंग भी कर लेनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और सही क्रम में रखे हुए और मीनिंगफुल भी है। बिल्ली मेज के ऊपर कूदी, अब बी पर आते हैं। ही रीड्स दिस बुक चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, और हम इसको पढ़ते हैं तो पता चलता है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि रीड में ही सिंगुलर नंबर है इसलिए इसमें एस लगा हुआ है। तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है। तो ही क्या पढ़ता है, दिस बुक, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बनेगा। दिस बुक सिंगुलर है इसलिए इज आएगा, इज एम आर में से इज आएगा, इज, और रीड की तीनों फॉर्म की स्पेलिंग एक जैसी होती है। फर्स्ट को रीड पढ़ते हैं, सेकेंड और थर्ड को रेड पढ़ा जाता है। तो दिस बुक इज रेड,
ठीक है। अब जो ये सब्जेक्ट है एक्टिव का, इसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और बाई से जुड़कर रखेंगे। बाई प्री पोजिशन होती है, बाई ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। इस प्रकार से ही पैसिव वॉइस बनती है। अब हम आते हैं सी पर। ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमाज बिगिन आई हर्ड दिस न्यूज यस्टरडे फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमाज क्लोज चेंज इन टू इनडायरेक्ट स्पीच। इसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। और ध्यान दें स्टूडेंट्स, हम इसको पढ़ने के बाद फिर दोबारा पढ़ते हैं, इनवर्टेड कॉमाज के अंदर आए हुए वाक्य को देखते हैं कि वह सेंटेंस किस प्रकार का है, असर्टिव है, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है या सेकंड टाइप है, या इंपेरेटिव है, या एक्सक्लेमेटरी है, या ऑप्टेटिव है। तो ये सेंटेंस हमारा असर्टिव है क्योंकि इसके शुरू में सब्जेक्ट आया हुआ है और अंत में फुल स्टॉप है। जब रिपोर्टेड स्पीच हमारी असर्टिव होती है, तो यदि यहाँ पर ऐसे सैड आया हुआ है, टू नहीं आ रहा, तो इस सैड को हम सैड ही रहने देंगे। यदि टू होता तो टोल्ड में चेंज कर देते। तो ये होगा ही सैड। इस कॉमा इनवर्टेड कॉमाज को हटाने के लिए, जब ये सेंटेंस हमारा असर्टिव होता है, तो इस कॉमा इनवर्टेड कॉमाज को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। That. अब ये कॉमा हट गया, इन्वर्टेड कॉमाज हट गया। अब आई फर्स्ट पर्सन में आता है, चेंज होगा स्पीकर के अनुसार। यहां पर ही है तो आई के स्थान पर हम ही रखेंगे। हर्ड ये सेकंड फॉर्म है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो सेकंड फॉर्म जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है तो उसका पास्ट परफेक्ट टेंस कर दिया जाता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड प्लस थर्ड फॉर्म होता है, तो हमें टेंसेज की जानकारी भी जरूरी है। ये किस टेंस में है, किस में ये चेंज होगा, ये हमें आना चाहिए। ये सेकंड फॉर्म है तो इससे पहले ये थर्ड भी होती है और सेकंड भी, और इससे पहले हेड रख देंगे हम, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। हेड हर्ड दिस। अब देखिए, ये निकटता सूचक शब्द है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो ये निकटता सूचक शब्द दिस का दैट, दीज का दोज, इस प्रकार से चेंज कर देते हैं। दिस है तो ये हो जाएगा दैट। ठीक है। न्यूज, अब ये यस्टरडे आ रहा है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो जो समय बताने वाले शब्द होते हैं, ठीक है, वो समय बताने वाले शब्द होंगे या स्थान बताने वाले, तो उनको हम बदल देते हैं। यस्टरडे का होगा द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, तो हम इसे द प्रीवियस डे इस प्रकार से चेंज कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं डी पर। द फील्ड इज बीइंग डॉट डॉट बाय द फार्मर। यूज करेक्ट फॉर्म, सही फॉर्म का प्रयोग कीजिए ऑफ द वर्ब की प्लाओ टू फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान में भरने के लिए प्लाओ वर्ब की सही फॉर्म को प्रयोग करना है। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस है और इसमें हम वर्ब की फॉर्म भरेंगे, तो ये सेंटेंस हमारा वर्ब की फॉर्म भरने के लिए एक्टिव वॉइस में भी हो सकता है, पैसिव वॉइस में भी हो सकता है। ठीक। इन्फिनिटिव, जैसे ये वर्ब है, इसका इन्फिनिटिव भी बनाने के लिए आ सकता है, जो हम वर्ब भरनी है, क्योंकि वर्ब वर्ब है, चाहे वो फाइनाइट हो या नॉन फाइनाइट वर्ब। तो पिलाओ की यहाँ ये सेंटेंस है, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आ रहा है, फिर इज भी है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग जो आता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस का नियम होता है। तो इज बीइंग तो दे रखा है, अब हमें पिलाओ की थर्ड फॉर्म भरनी है। तो ये ध्यान देना है, जैसे हम बता रहे हैं, तो ये एक्टिव पैसिव दोनों में हो सकता है।
ठीक है, जीरंड भी इसका बना करके भरने के लिए दिया जा सकता है, इन्फिनिटी भी दिया सकता है, इन्फिनिटी में इससे पहले टू लग जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो हमें यहाँ पर थर्ड फॉर्म बननी है, जिसे हम यहाँ स्पेस की तो शॉर्टेज है, इसको सामने लिख देते हैं। क्या होगी, इसमें ईडी लगा देंगे, ये हो जाएगा प्लॉट। इसे हम यहां भर देंगे। हम आंसर बुक में एग्जाम के अंदर पूरा ही सेंटेंस लिखेंगे और यहां उसको भर देंगे ब्लैक पेन से। ठीक है, और प्लाउ मीन्स होता है हल जोतना। द फील्ड इज बीइंग प्लाउड बाय द फार्मर, किसान के द्वारा खेत जोता जा रहा है, इसका ये अर्थ हो जाएगा। अब हम आते हैं ई पर। ज्योति इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, रीना इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ज्योति होशियार लड़की है, बुद्धिमान लड़की है, रीना बुद्धिमान लड़की है। ज्वाइन जोड़िए दी एव सेंटेंसेज, उपर्युक्त इन दोनों वाक्यों को विद दी कंजक्शन, कंजक्शन से आइदर डॉट डॉट और, ये कंजक्शन है, इस कंजक्शन का प्रयोग करके हमें दोनों वाक्यों को जोड़ना है। ध्यान देने की बात यह है, हम इसमें देखते हैं कि जो प्रेडिकेट पार्ट है वो दोनों का एक जैसा है, तो हमारा जो विकल्प है एल्टर, इसे हम कहते हैं एल्टरनेटिव कंजक्शन। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट में प्रयोग किया जाएगा, किस प्रकार से, आइदर को रखेंगे ज्योति से पहले, फिर और उसके बाद रीना, और उसके बाद ये सब आ जाएगा। रखते हैं, फिर आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। आइदर ज्योति और रीना। अब देखिए बात आती है, ज्योति भी एक क्वेश्चन है, रीना भी एक क्वेश्चन है, लेकिन जब आइदर और नाइदर नॉर, ये अफर्मेटिव है, यदि इसमें यहां पर नॉट दिया हुआ होता तो ये नाइदर और ये नॉर होता है। ठीक है, या फिर अकेले और होता है। ठीक स्टूडेंट्स, तो ऐसी स्थिति में वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, यदि वो एक वचन है तो एक वचन की वर्ब आएगी, और बहुवचन है तो बहुवचन की। तो इसमें आर नहीं आएगा, इज ही आएगा, इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो इस प्रकार से हमने इस कंजक्शन का प्रयोग किया, या तो ज्योति या फिर रीना एक होशियार या बुद्धिमान लड़की है। क्वेश्चन नंबर फोर का ये सेकंड पार्ट है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, सॉरी क्वेश्चंस, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नांकित प्रश्नों में से चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। चूज मीन्स चुनिए, द मोस्ट सर्वाधिक एप्रोप्रिएट उपयुक्त, यहाँ सुटेबल भी होता था, यहाँ पर अब एप्रोप्रिएट है, सर्वाधिक उपयुक्त या उचित अल्टरनेटिव विकल्प को चुनिए टू फिल भरने के लिए इन द ब्लैंक्स खाली स्थान में। इसका फर्स्ट पार्ट है, द शो विल स्टार्ट, शो शुरू होगा खाली जगह 7 PM। तो इसमें हमें प्रीपोजिशन बननी है, फॉर अनिश्चित समय के लिए आता है, यह आएगा नहीं, सिंस निश्चित समय के लिए आता है, और परफेक्ट टेंस में या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में प्रयोग नहीं होता। आफ्टर, बाद में, 7 बजे के बाद शुरू होगा, नहीं,
7 बजे। जब कोई कार्य किसी निश्चित समय से शुरू होता है तो एट का प्रयोग किया जाता है, एट 7 बजे। 7 बजे से नहीं है, 7 बजे से नहीं आ रहा, से आता तो फिर सिंस का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहां पर एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। बी पोर्शन है डॉट डॉट, आई सी यू इन द इवनिंग, मैं आपसे शाम को मिल सकता हूं, क्या मैं आपसे शाम को मिल सकता हूं, तो ये इंटरोगेटिव है, तो कुड सकना, यानी कि इसमें क्या मैं आपसे शाम को मिल सकता हूं अनुमति मांग रहा है, और अनुमति के लिए कुड भी नहीं आता है, ओट भी नहीं आता, मस्ट भी नहीं आता, केवल अनुमति के लिए मे आता है। तो यहां पर मे का प्रयोग होगा, ठीक है। अब हम इसके बी पार्ट पर आते हैं। कंप्लीट द स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नांकित शब्दों की स्पेलिंग को पूरा कीजिए। हमने थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी इसी वीडियो में। देखिए ये वर्ड्स जो होते हैं कोई इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, मैंने पहले वीडियो में भी बताया है आपको, जैसे कंप्लीट ही है ये भी दे सकते हैं, इसमें बीच में से इसके वर्ड्स को निकाल करके कैपिटल जो लेटर्स हैं उनको निकाल करके अक्षर को निकाल करके इसे भी दे सकते हैं, कोई भी शब्द हो सकता है, तो इसलिए वर्ड की स्पेलिंग हमें आनी चाहिए। तो ये है के एन डैश डब्ल्यू एल डैश डी जी डैश। जब हम शब्द को देखते हैं तो शब्द को देखने से पता चल जाता है कि कौन सा शब्द है, तो ये है नॉलेज, के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई, नॉलेज मींस होता है ज्ञान, ठीक है। और ये है, अभी देखिए ये क्या है, अभी हमने सेंटेंस बनाया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, फर्स्ट पार्ट का ई, इसमें इंटेलिजेंट आया था। अब देखिए इसका आंसर वहां है लेकिन हमें स्पेलिंग ही याद नहीं है, तो हम कैसे लिख पाएंगे, ये इंटेलिजेंट है, तो ये होगा इंटेलिजेंट, मीन्स होता है बुद्धिमान, होशियार, ठीक। अब हम सी पर आते हैं। पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी, पंक्चुएट विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए द फॉलोइंग निम्नांकित में यूजिंग कैपिटल लेटर्स बड़े अक्षरों का प्रयोग करके वेयर एवर नेसेसरी, जहां कहीं आवश्यक है, आवश्यक है तो कैपिटल बनाएंगे और आवश्यक नहीं है तो नहीं भी बनाया जा सकता है, ठीक है। ये तो हमारी नॉलेज पर डिपेंड करता है कहां पर कैपिटल लेटर आएगा। दी गंगा इज ए हॉली रिवर, इट इज वर्शिप्ड, कन्नौज प्रयागराज एंड वाराणसी आर सिचुएटेड ऑन इट्स बैंक। दी गंगा, जब हम किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं और पहला शब्द लिखा जाता है तो उस पहले शब्द का पहला अक्षर कैपिटल ही बनता है, जब कुछ भी आ रहा हो, ठीक है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में। गंगा, गंगा ये प्रॉपर नाउन है तो इसलिए इसका जी भी कैपिटल ही बनेगा। दी गंगा इज ए होली रिवर, ठीक है। आगे है इट इज वर्शिप्ड, तो यहां ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। अब है इट, अब फुल स्टॉप के बाद दूसरा सेंटेंस लिखा जाता है तो वो भी कैपिटल से ही होता है, इट इज
वर्शिप्ड, वर्शिप्ड के बाद में यहां पर ये फुल स्टॉप हो जाता है, तो फुल स्टॉप लगेगा क्योंकि कन्नौज, प्रयाग एंड वाराणसी आर सिचुएटेड ऑन इट्स बैंक। अभी इसके बाद ये सेंटेंस कन्नौज से शुरू होता है। कन्नौज एक स्थान का नाम है और किसी भी स्थान का नाम जब आता है वो कहीं भी आए, हालांकि ये तो शुरू में आ रहा है, यहां फुल स्टॉप हो गया है तो ये तो कैपिटल बनना ही है। अब इसके बाद प्रयागराज आ रहा है, तो यहां पर जब प्रयाग, कन्नौज, प्रयागराज एंड वाराणसी तीन नाम आए हुए हैं तो पहले दो के बीच में कोमा आता है, ठीक है। प्रयागराज ये भी स्थान का नाम है तो कैपिटल ही बनेगा, ठीक है। प्रयागराज एंड वाराणसी, वाराणसी भी स्थान का नाम है तो कैपिटल भी बनेगा इसका भी, ठीक है। आर सिचुएटेड, इट्स बैंक, इस सेंटेंस हमने पंक्चुएट कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद आता है डी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल्स। स्टूडेंट्स जब तक हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ठीक से तैयार नहीं कर लेते हैं ये हमारा ग्रामर का सेक्शन पूर्ण नहीं हो सकता है। आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, अब है खाली जगह काउ इज, फिर खाली जगह यूजफुल एनिमल क्या होता है, गाय एक उपयोगी पशु है। तो यहां पर आर्टिकल दी यदि हम प्रयोग कर देते हैं तो कोई विशेष गाय हो जाएगी, लेकिन जाति या अपने वर्ग को का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, कोई सी भी गाय हो सकती है, ए आर ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे यहां पर, ए काउ इज। अब यहां पर ए की तो है तो हालांकि ये वोविल से शुरू हो रहा है लेकिन इसकी साउंड वोविल की नहीं है, ये लिखा जाता है ये यूज फुल, ठीक है। तो ये जो ये है ये वोवल की साउंड नहीं है, वोवल की साउंड में तो जो हिंदी के स्वर हैं, हिंदी के वोवल्स हैं, वो साउंड यदि आती है तो आर्टिकल एन का प्रयोग होता है और वो साउंड आ नहीं रही है तो इसलिए यहां पर भी आर्टिकल ए का ही प्रयोग होगा। इस प्रकार से हमारी वीडियो पूरी हो जाती है, सेक्शन सी पूरा हो जाता है। वैसे तो आगे स्टोरी भी है, बहुत सारा है लेकिन इतना ही बहुत है, काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी। फिर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि नई नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सके। फिर मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ।